एक बाबा जी की सेवा में एक युवक पहुंचा और उसको मालूम पड़ा था कि बाबा जी के पास में एक पारस पत्थर है। वो पारस पत्थर की अपनी विशेषता यह है कि वो लोहे से छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है। उसको ये इंटरेस्ट था कि बाबा जी की सेवा करने से और मुझे वो पारस पत्थर मिल सकता है। अपन लोगों के साथ भी यही है, अपन सेवा करते ही उसलिए है कि अपन को कुछ मिलेगा। ये गिव एंड टेक वाला जो गणित है ना, वो सब जगह अपन लगा लेते हैं, भगवान के सामने भी लगा लेते हैं कि मां पूजा कर रहे हैं भगवान तो आप दे रहे कुछ ना कुछ। उसके मन में भी यही था, भारी सेवा करी उसने, पैर दबाना, उनका भोजन बनाना, उनके कमरे में झाड़ू लगाना, जो भी हो सकता था उससे बाबा जी की सेवा में उसने सब करा। अब एक दिन, दो दिन, एक साल, दो साल निकलता गया समय, 12 बरस हो गए, बाबा जी पारस पत्थर देने का नाम ही नहीं ले रहे और इसकी हिम्मत नहीं बढ़ती कि बाबा जी से मांग ले। सुना तो जरूर था, बीच बीच में कभी कभी उसको संदेह होता था कि है भी इनके पास कि नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज इनने ऐसी नहीं संभाल के रखी है जैसी कि पारस पत्थर को संभाल के रखना चाहिए, इतनी दुर्लभ चीज है। पर इनके यहां तो कुछ भी, सब देख लिया उसने, पूरी झोपड़ी में 12 बरस के दौरान छान बीन करके खोद करके तक के देख लिया कि कहीं दबा के धरा हो शायद, नहीं मिला उसको। तो 12 वर्ष के बाद एक दिन उसने कह दिया कि बाबा जी वर्षों मुझे आपकी सेवा करते हो गए, मैंने कभी आपसे नहीं कहा। बाबा जी मुस्कुराए, मनी मन सोचा कि कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे आचरण से तो रोज मालूम पड़ता था कि तुम्हारी लगन मेरी सेवा में नहीं है, तुम्हारी लगन मेरे उस पारस पत्थर में है, वो तुम्हें मिल नहीं रहा, इसलिए तुम अटके हुए। कहा नहीं बाबा जी ने, उसने युवक ने निवेदन किया कि बाबा जी मैं आपके चरणों में वर्षों से हूं, आपके पास पारस पत्थर है ये मुझे मालूम पड़ा था, और फिर आपके क्या काम का, आप तो बाबा जी हो गए, आप मेरी सेवा से अगर प्रसन्न हो तो मुझे जरूर आप पारस पत्थर दीजिएगा। बाबा जी जोर से हंसे, बोले अरे इतने दिन से कहा क्यों नहीं, वो रखा हुआ उधर। चकित हो गया वो, ऐसी जगह भी रखा जा सकता है तब कीमती पारस पत्थर, मैं तो सोच ही नहीं सकता था, सब कहां कहां दबाया जा सकता वहां ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा ओपन एकदम खुला हुआ, और वो भी जो खप्पर घास फूस के बने हुए थे, खप्पर लगे हुए थे उसमें, उसके नीचे रखा हुआ था वो, उठा लो। उठा करके ले आया, लेकिन वो लोहे की डिब्बी में रखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोहे की डिब्बी में पारस पत्थर रखा हुआ है और अभी तक सोने नहीं की नहीं बनी, कहीं बाबा जी भी धोखा नहीं दे रहे, है भी पारस पत्थर की नहीं। बाबा जी मुस्कुराए चले जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है श्रद्धा आना, बहुत मुश्किल है संदेह तो बहुत आसान है, विवेक जागृत होना बहुत मुश्किल है, अविवेक में जीवन व्यतीत करना बहुत आसान है, और आचरण का पालन भी स्वार्थवश करना बहुत आसान है, लेकिन निस्वार्थ होकर अपने जीवन को दूसरे के उपकार में लगाना बहुत कठिन है। और ये तीनों चीजें उस पर लागू हो रही थी, श्रद्धा नहीं बैठ रही है क्योंकि डिब्बी सोने की नहीं हुई, विवेक नहीं है कि इसको पाकर के क्या करेंगे, और आचरण इतना बढ़िया, साधु बाबा जी के पास 12 वर्ष तक रहे फिर भी लालसा बनी रही, क्या छोड़ा, कौन सा सदाचरण किया। सदाचरण तो वो है जिसमें कि लालसा सब खत्म हो जावे संसार की। साधना शब्द का अगर थोड़ा सा विचार करें तो जिसमें कोई साध नहीं रह जाती है वही साधना है, संसार की सारी साध, संसार की सारी इच्छाएं जिसमें मिट जाती वो साधना है, लेकिन उसने 12 वर्ष गंवा दिए। और बाबा जी ने कहा कि ले जाओ, अब क्या करें क्या कहे। खोल करके देखा, चुपचाप है भी कि नहीं, देखा तो था उसमें, लेकिन बस इतना ही था कि भीतर जैसे कि हीरे जवाहरात को, सोने चांदी की चीजों को किसी जौहरी के पास जाओ
तो क्या लाल रंग के एक कागज में लपेट करके रखता है? वो ऐसे नहीं रखता। तो वैसे ही वो पत्थर भी एक लाल रंग के कागज में लिपटा हुआ रखा था। अब उसके समझ में आया कि सचमुच कैसे हो सकती है वो डिबिया सोने की, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में ही नहीं आई। ऊपर तो आवरण चढ़ा हुआ था, मेरे भीतर भी जब तक ऐसे ही संसार की आशक्तियों का आवरण चढ़ा रहेगा तब तक मैं किसी के भी कांटेक्ट में आ जाऊं, भगवान के चाहे गुरुजनों के चाहे अच्छाइयों के विचार के सानिध्य में आ जाऊं, तब भी जैसे कि ये कागज बीच में है और डिब्बी सोने की नहीं हो पाई, ऐसे ही मेरा जीवन भी नहीं हो पाएगा। एक चीज तो उसके दिमाग में ये आई और दूसरी ये कि बाबा जी के पास लगता है कोई और भी दुर्लभ चीज है, तब तो ये इसको ऐसे रखे हुए हैं और ऐसे देने तैयार हो गए, मतलब इनके लिए ये बहुत बहुत सुलभ है, कुछ और है इनके पास दुर्लभ। ये उसे उस समय एहसास हुआ और फिर उसने फौरन बाबा जी से कहा कि मुझे नहीं चाहिए पारस पत्थर, मुझे तो वो चाहिए जिसको पाकर के आप पारस पत्थर को भी ठुकरा सकते हैं, मुझे वो चीज चाहिए। क्या ऐसा अपने भीतर एहसास हो सकता है कि मुझे भी वही चीज चाहिए जिसके लिए मैं संसार के सारे वैभव को ठुकरा सकूं, कि मिल गया मुझे प्रसन्नता पूर्वक मैं ये एहसास कर सकूं कि ये सब चीजें उतनी वैल्यूबल नहीं है, उतनी कीमती नहीं है जितना कि मेरे भीतर का श्रद्धा और आत्मज्ञान और समीचीन आचरण, वो मुझे प्राप्त करना चाहिए, वो मुझे महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा ही भाव अपने भीतर उत्पन्न हो जाए तो हमारे भीतर उस चीज को पाने की ललक उत्पन्न हो जाएगी, और ये जो चीजें छोटी छोटी जिनको पाने की ललक, जिनको पाने का विचार हमारे भीतर निरंतर बना रहता है और उसी की पूर्ति में हम लगे रहते हैं, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, हमारा उस तरफ जाना रुक जाएगा और ठीक दिशा में हम अपने जीवन को ले जाकर के अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन की दुर्लभता का और उसमें भी अपने आत्मज्ञान, सच्ची श्रद्धा और आचरण की दुर्लभता का एहसास करके उसे पाने का उपक्रम करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।